अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली। फैमिली, क्या हाल चाल खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, ठीक ठाक हैं सब के सब। तो चले चलें आज आज का का व्लॉग व्लॉग करते करते हैं हैं शुरू। शुरू। वही मैं कह रहा हूँ, डीजे कॉलेज हमारा कॉलेज और म्यूजियम साथ साथ था तो अब इतनी डेवलपमेंट होगी समझ ही नहीं आ रहा था। क्यों, क्या इतना साथ साथ था, मतलब इतना ये देखो ना, है? वो डीजे कॉलेज आ गया। हाँ, ये हमारा कॉलेज आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा आगे करके तो था। क्या दरमियान में से गुजर जाते थे क्या? रोड से आते थे हम, यहाँ कुछ नहीं था, कुछ तो होगा थोड़ा बहुत, याद नहीं क्या था यहाँ पे। ये फूल सीट वगैरह नहीं, ये देखो कहाँ बैठा हो। क्या 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 ये कॉलेज इमरान का लोग नहीं करते ना, आर्ट एंड कॉमर्स। तो वो क्या आपका स्कूल नहीं, वो भी तो कॉलेज था। कॉलेज था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। ये अच्छा, यहाँ से बीकॉम किया मैंने, मतलब बीकॉम पार्ट वन पार्ट टू यहाँ पढ़ा था। अच्छा, एस एम का मतलब सिर्फ मुस्लिम है ना बेसिकली। ये सारी बिल्डिंग तब नहीं होंगी ना, ये पीछे बैक पे बिल्डिंग ये भी नहीं होगी, ये नहीं बनी हुई है, ये ग्रीन ग्रीन शीशे वाली। ये लॉ कॉलेज ये था ना, ये लॉ कॉलेज था। कौन सा? अच्छा, इसे मतलब जहाँ से हम आए हैं। अच्छा, ये था। बाकी ये फूड स्ट्रीट नहीं होगी, फूड स्ट्रीट वगैरह नहीं थी। बाकी म्यूजियम का गेट बहुत ही आसान है। हम पानी पहले पी लें, ये बच्चे पीने लगे। पियो ये ना, पानी पियो फिर मूव करो। इसके ड्रामे नहीं खत्म हो रहे, लेट ज्यादा इसको, उसको मैं घर ही छोड़ के आ जाऊं। ढक्कन धो धो थोड़ा सा पानी से, थोड़ा सा धो दो ढक्कन। ढक्कन दूर गिराना है, नीचे गिरा दिया ना। मैंने कोई ना गिराया। किसने? इसने गिराया है। ये दोनों ढीले हो गए, इनको लाना ही नहीं चाहिए था। गलती से गिर गया। नहीं, मैं उसकी उससे तो गिरता ही ढक्कन। हां, वो ढक्कन से हर चीज गिरती है। ढक्कन ना गिराया तो सुकून नहीं होता। वो ढक्कन चोर है। चोर नहीं, ढक्कन गिरा देता है। नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान, यहाँ से उसकी एंट्रेंस है। ठीक है, ये जो बाहर पड़े हैं उसमें इसको बेटा वो बाहर निकाल देंगे आपको, फिर मैं तो नहीं रहूँगा। गुड कंडक्ट। ये क्या है? डायरी कैरीड द शेयर अकाउंट ऑफ बाउंड्री डायरी, इनकी गोल्ड गोल्ड एजिंग एजिंग गोल्ड की है। ये कायद आजम का कायद आजम की डायरी है, कायद आजम की ये राइटिंग है। आज देखो कितने पुराने हैं, मोटे मोटे। ये देखो, ये मोटी हुआ ना। ये क्या है? कायद आजम मोहम्मद अली ओपनिंग द स्टेट बैंड मेटल बॉक्स। ये कॉल रेस है उस टाइम। हाँ, वहाँ हमने तस्वीर देखी थी ना। आप ये चाबी यहाँ पर पड़ी हुई है इस बैंक की। इस हाँ। बैंक की ये सेट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स है। ऊपर भी है, पहले नीचे से घूमे।
पासपोर्ट पड़ा हुआ है कैनेडा का पासपोर्ट ओरिजिनल कहां पर पाकिस्तान लेवल की लगाया हम रखा वो बता रहे हैं इस साल क्या किया और इसके को लगाया विजय लगे हैं इटली के और दूसरे शोर को इस साल कौन सा पासपोर्ट इनका लगा है साल नहीं ये इनका काजम का ओरिजिनल पासपोर्ट है कब लगा था इसमें देखा उनके लिखी हुई है कराची आए थे कि उनका नाम क्या था कराची में पैदा हुए थे बेटा डोंट टच दिस उठाओ ऐसे नहीं हाथ लगाना गंदे होते हैं चीज़ें उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपने देखनी है तो वो ओरिजिनल वो ये देखो लिखी हुई है नहीं नजर वीडियो जो बना रहा है वो अब मैं उसको क्या बोलूँ ये उनकी डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल लिखी हुई है देखो 18 क्या क्या लिखा हुआ 1876 जी 96 है 70 आया है 1876 25 दिसंबर 1876 जी हाँ काजल पुरानी चीज़ है ना देखो ये कुरान शरीफ है ये कितना पुराना है कुरान शरीफ है तबरी 19th सेंचुरी का ये कुरान शरीफ है पढ़ो इसको ना आप लोग पढ़ो कि 19th सेंचुरी नहीं हाथ से नहीं लिखा हाथ से ही टाइप का लिखा हुआ है ना शाही फरमान ऐसे आपने शाही फरमान लिख के आते कि जी किसी को आपने अगर कुछ काम देना है या कुछ ऐसा करना है तो इस किस्म के नाम लेटर ये शाही फरमान का मतलब है लेटर ये देखो ना मुगल दौर के हमारे फादर्स दिखा रहे हैं पुराने हमारे जो थे अबाउ इजाज जो इनको मैं जानता हूं पढ़ा तो जानता है पढ़ा मैंने इनके बारे में नवाब सिकंदर जा ये 1800 सदी के ये थे नवाब हमारे इन्होंने बहुत काम किए हैं चलो ये देखो सही बुखारी इन्होंने पढ़ा ना सही बुखारी की हदीसें ये ये हमारे हदीस के जो मौरख जो हैं सही बुखारी हदीस सही मुस्लिम सही बुखारी जामे तिर्मिज़ी ये हाथ के लिखा हुआ है ये सारा पोर्शन जो है उसका खताती का खताती है कुरान शरीफ ये गैलरीज होती है ना बेटा मुख्तलिफ इनको बता रही हूँ मैं इधर आओ ये गैलरी किसकी है खताती की गैलरी है सारी की सारी ये होली बुक ऑफ सिखों की होली बुक है कुरान नहीं बेटा सिख जो है हिंदू उनकी ये होती है बुक है ये गुरु ग्रंथ साहब हमारी कुरान शरीफ है ना हमारी कुरान शरीफ है ये भी है ये लुकमान का तो ये दीवान जामी है ये सारा खताती का पोर्शन है बेसिकली अब दूसरी गैलरी में जाते हैं आओ अच्छी अच्छा बना हुआ म्यूजिक हमारे बच्चे कंप्यूटरों से बाहर ही निकलते हाँ लोगों को ये दिखाना चाहिए बच्चों को दिखाना चाहिए स्पेशली अपना पुराना कल्चर ये मेरा मोबाइल ना हुआ ये हाथ से लिखा हुआ ऐसे ही लग रहा है हाँ देखो ना ये लिखा हुआ है गोल्ड इन गोल्ड ये देखो 15 लाइन पर पेजेस हैं 15 लाइन है हर पेज में गोल्ड से सोने से लिखा हुआ है सोने से तो उसको मतलब कितना महंगा होगा उस जमाने में गोल्ड सस्ते हुआ करते लेकिन आज के जमाने में महंगे हैं सोने से लिखा हुआ ये सोने से लिखा हुआ है लिखा हुआ पढ़ो सारा इसके अंदर से ये भी गोल्ड से लिखा हुआ है स्टोन का ये है 40 हदीसें ये कुरान है वो पुराना ये सभी गोल्ड लिखा हुआ था गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन से अंदर ये अटैच है ये गोल्ड सामने लेकिन अननोन है ऑथर हां किसने लिखा है वो नहीं पता
ये कितना खूबसूरत है, ये महाभारत का बहुत बहुत खूबसूरत है। चले अब हम दूसरी गैलरी में चलते हैं, वहाँ चल के आपको दिखाते हैं क्या बनाया हुआ। गुलिस्तान है ना, कुरान भी है। मक्तूतात गैलरी में हम घुसे थे, ठीक है, और साथ ही खताती के नमूने थे और फन मसवरी थी। अब कौन सी गैलरी में जाना, एक वो गैलरी है वहाँ चलते हैं।